10 दिनों तक हर घर में इस शुभ अवसर पर भगवान गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बड़े बड़े पंडाल लगेंगे। दूसरे प्रांतों जैसे बिहार में गणेश चतुर्थी को चौरचन या चकचंदा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ इस दिन श्रापित चांद देवता की पूजा करने का विधान है, लेकिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने का विधान अधिक प्रचलित है, जो मन और आंखों में बस जाए। श्रद्धालु ऐसी गणपति जी की प्रतिमा लाने का प्रयास करते हैं, किंतु मित्रों, बाजारीकरण के दौर में शास्त्रों के नियमों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसलिए भगवान गणपति की ऐसी प्रतिमा लाएं जो मनमोहक तो हो ही, साथ ही घर संसार के लिए कल्याणकारी भी। इसलिए भगवान गणपति की मूर्ति से पूर्व यह अवश्य जान लें कि गणेश जी की बाईं ओर सूंड की प्रतिमा उचित है या दाईं ओर सूंड वाली। गणपति की कैसी प्रतिमा आपके घर परिवार के लिए फलदायी रहेगी, चलिए जानते हैं। पुराणों और शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य व मंगलाकारी कहा गया है, क्योंकि किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य में सबसे पहले इनकी ही पूजा करने का विधान है। लंबोदर पेट, बड़े बड़े दुकान, एक दंत और बड़ा सा सिर, भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीरों में भी उनकी सूंड दाई और बाई दोनों ओर देखने को मिलती है। तभी तो मुड़ी हुई सूंड के कारण उन्हें वक्र तुंड कहा जाता है। माना जाता है भगवान गणेश जी की बाई सूंड चंद्रमा और दाई ओर सूंड में सूर्य का प्रभाव होता है। तो आपके घर या ऑफिस के लिए गणेश चतुर्थी पर गणपति की कौन सी मूर्ति मंगलकारी रहेगी? भगवान गणेश जी की सूंड किस ओर होनी चाहिए? क्या ऑफिस और घर में एक सी मूर्ति ला सकते हैं? सभी प्रश्नों का उत्तर है यहाँ। दाई सूंड या बाई सूंड, क्या है सही? बाई सूंड। जी हाँ, घर के लिए भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें उनके सूंड का अग्रभाव बाई ओर हो। गणपति की ऐसी प्रतिमा को वाम मुखी कहा जाता है। वाम का अर्थ होता है उत्तर दिशा, जो कि पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ दिशा मानी जाती है। शास्त्रों में बाई ओर सूंड वाले गणपति की पूजा करने से घर में सुख शांति व समृद्धि आती है। शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय में उन्नति, विवाह, सृजन कार्य, संतान और पारिवारिक खुशहाली के लिए बाई ओर सूंड वाले गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी पर अवश्य करें। वाममुखी गणपति की विधिवत पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न व संतुष्ट हो जाते हैं, साथ ही पूजा में हुई त्रुटियों को भी क्षमा कर देते हैं। दाई सूंड यानी नीचे की ओर से दाई ओर मुड़ी हुई सूंड, जिसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। दाई ओर घूमे हुए सूंड वाले गणेश जी को सिद्धि विनायक कहा जाता है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा का संबंध यमलोक से बताया गया है, जिसे शास्त्रों में काफी शक्तिशाली दिशा बताई गई है। माना जाता है इसी दिशा में पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। इसलिए दाई ओर सूंड वाले गणपति की पूजा में कई नियमों का पालन करना पड़ता है और कर्म कांडात गर्त पूजा विधि का पालन करना जरूरी होता है, जो कि आजकल घर पर संभव नहीं। यही नहीं, दाई ओर सूंड वाले गणपति की पूजा विधिवत तरीके से ना होने पर वे रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हटी भी कहते हैं। मंदिर या विशेष आयोजन जिसमें पुरोहितों द्वारा पूजा कराया जाए, तभी गणपति की दाई ओर सूंड वाली प्रतिमा स्थापित करें। माना जाता है दाई सूंड वाले गणपति के दर्शन मात्र से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, किंतु कई लोग गणेश जी की सीधी सूंड वाली प्रतिमा ले आते हैं, जिसे तीनों ओर से देखा जा सकता है। माना जाता है कि गणेश जी की सीधी ओर सूंड वाली प्रतिमा को वैरागी या साधु संत स्थापित करते हैं।